सिग्नेचर ब्रिज के शुरू होने से पहले इस पर राजनीति भी गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी मान रही है कि सिग्नेचर ब्रिज को शुरू कराना केजरीवाल सरकार की बड़ी कामयाबी है, तो वहीं कांग्रेस कह रही है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के कार्यकाल में कराए हुए कामों का श्रेय अब लेने की कोशिश कर रही है। मेन ब्रिज वजीराबाद बैराज के सामने दो बड़े पिलर्स पर खड़ा किया गया है जो 675 मीटर लंबा है। इस ब्रिज के चालू होने से लोगों की गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले ईंधन के साथ वक्त की भी काफी बचत होगी। इससे दिल्ली से गाजियाबाद के बीच भी आना जाना और ज्यादा आसान होगा। खजूरी खास, तिमारपुर, नेहरू विहार, बुराड़ी और वजीराबाद जैसे इलाकों से आने वाले लोगों को काफी फायदा भी होगा। और क्या क्यों खास है ये ब्रिज, ये भी जान लीजिए, क्योंकि 1518 करोड़ में ब्रिज बनकर तैयार हुआ है और अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 154 मीटर ऊंचा है ये ब्रिज और धनुष के आकार का स्टील से बनाया गया ये टावर है जो बेहद खूबसूरत नजर आता है। सिग्नेचर ब्रिज पर 250 मीटर लंबा स्पैन 8 लेन्स का है, यानी 8 इसमें लेन बनाए गए हैं और इसे पूरा करने के लिए विशेष प्रकार की वेल्डिंग की आवश्यकता पड़ी है। काफी खर्चा भी हुआ है इस ब्रिज को बनाने में और अगर पूरी प्रक्रिया की बात की जाए तो 4 स्तरीय गुणवत्ता की जांच की गई है। ब्रिज ट्रांस यमुना क्षेत्र को बाहरी और उत्तरी दिल्ली से जोड़ेगा। कनेक्टिविटी रहेगी इस ब्रिज की खासी अच्छी और टावर को बांधने के लिए दो बड़े फाउंडेशन वेल भी बनाए गए हैं, यानी मजबूती के साथ इसको तैयार किया गया है और टावर का सारा भार फाउंडेशन वेल संभाल रहे हैं। और वेल 1,000 टन के लोहे और कंक्रीट भरकर बनाए गए हैं, मजबूत खूब हैं। टावर की केबल्स की अगर बात की जाए तो फाउंडेशन वेल से इनको बांधा गया है। ब्रिज को केबल के तारों की सहायता से तैयार किया गया है और देश का पहला सिंगल पाइलन ब्रिज होगा सिग्नेचर ब्रिज। सबसे बड़ी खासियत यह है कि सिंगल पाइलन ब्रिज है ये सिग्नेचर ब्रिज। सिग्नेचर ब्रिज का बैलेंस 18 मोटी केबल से साधा गया है और ब्रिज के नीचे कोई पिलर नहीं है। सिग्नेचर ब्रिज के दूसरी तरफ मात्र 4 केबल्स हैं। पूरे ब्रिज की बात की जाए तो पूरा ब्रिज स्टील के बने तारों से झूलता हुआ है। सिग्नेचर ब्रिज पूरी तरह से भूकंप रोधी है, यानी बड़ी सौगात दिल्ली के लोगों के लिए।